ये देखें व्यूज हमारे गोभी बटर के मजेदार से खुशबू। उसके बाद जो है जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसमें बाकी का मक्खन मिलाएंगे। तो पहले इसे हम कुक कर लेते हैं, उसके बाद का प्रोसेस आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब जो है हम चूल्हे को कर देते हैं बंद और इसमें मिला देते हैं हरा धनिया जो कि तकरीबन 3 टेबल स्पून।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बराबर में लगे बेल आइकन के बटन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप जब ट्राई करेंगे तो ही आपको पता चलेंगी ये रेसिपी के लिए कैसे बनते हैं। तो गोभी बटर के समोसे आप बनाएँ, खुद भी खाएँ, घर वालों को खिलाएँ, मेहमानों के लिए बनाएँ और रमज़ान आने वाले हैं तो इन्हें रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगेंगे।